जोधपुर के पास एक भयानक सड़क हादसा, हादसे में दूल्हा दुल्हन सहित 11 की मौत, 3 घायल। बोलेरो व ट्रेलर की भयानक भिड़त, शेरगढ़ से सोइनतरा गांव के निकट मेगा हाईवे पर हुआ हादसा। बोलेरो में बैठे 4 पुरुष, 6 महिला, 1 बच्ची की मृत्यु, सभी बाड़मेर जिले के बलोतरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। घायलों को भेजा गया जोधपुर अस्पताल। शेरगढ़ थाना पुलिस मौके पर। बाड़मेर के बलोतरा से जैसलमेर के रामदेवारा जा रहे थे जातरु। 27 फरवरी को हुई थी विक्रम और सीता की शादी। बलरामपुर जिले के किसानों को इस भयंकर आंधी और ओलावृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम ने ली अंगड़ाई, फसलों की हुई तबाही। शुक्रवार को बलरामपुर जिले में हुई भीषण ओलावृष्टि तथा बारिश ने अन्नदाता किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसान की खड़ी गेहूं की फसल गिरकर जमीन में बिछ गई, तो वहीं दलहनी व तिलहनी फसलों में मटर, सरसों, अरहर, मसूर की फली टूटकर जमीन में बिखर कर नष्ट हो गई। IPS अनिल कुमार यादव को मिली बड़ी सफलता। 1 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त राम सिंह पुत्र झारखंडी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रयागराज के घुरपुर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। IPS अनिल कुमार यादव की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मार्गदर्शन में अवैध गांजा शराब के खिलाफ रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत घुरपुर थाना इंचार्ज IPS अनिल कुमार यादव को मिली बड़ी सफलता। 1 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त राम सिंह पुत्र झारखंडी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोरोना वायरस का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के कारोबार को झटका लगा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। बिहार के लिए बने पोस्टर में अखिलेश को दिखाया श्री कृष्ण। बागपत जनपद में देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इस दौरान बदमाशों की तरफ से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो पकड़ा गया बदमाश मेरठ के मवाना का रहने वाला है। उस पर 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें वह फरार चल रहा था। पुलिस बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक व अवैध असला बरामद किया गया है और घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही उसके फरार हुए साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इरफान खान की अंग्रेजी मीडियम बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पा रही कमाल। अंग्रेजी मीडियम ने पहले दिन केवल 3.5 करोड़ की कमाई की है। कोरोना वायरस के कारण दोबारा रिलीज होगी ये मूवी। खेल जगत पर कोरोना वायरस पड़ा भारी। शनिवार को होने वाले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज हुआ रद्द। न्यूजीलैंड में होने वाले 3 मैच की T20 सीरीज भी हुई रद्द। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। बैठक में अखिलेश यादव ने काम बोलता पर आधारित मैगजीन का किया उद्घाटन। बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और रामगोपाल यादव समेत कुल 50 से ज्यादा प्रतिनिधि भी हुए सम्मिलित। विशेष आमंत्रित सदस्य जया बच्चन भी इस बैठक में रही मौजूद। झारखंड में चतरा का टंडवा का गेरुआ पुल टूटा। बाल बाल बचे लोग, पुल टूटने से आवागमन पूरी तरह से हुआ बाधित।